नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट चैनल में। तो बहुत ही दिल में उथल पुथल हो रही है कि क्या होगा फिनाले में, कौन होगा आगे, कौन जाएगा घर में, क्या होगा। बहुत सारी चीजें चल रही है मन में भी और दिमाग में भी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम रेस्ट देते हैं और बात करते हैं कि टॉप थ्री में कौन रहे। आप अगर हंग्री स्पिरिट्स को शुरू से फॉलो करते आए होंगे तो आपको पता होगा कि हंग्री स्पिरिट्स में जो टॉप 10 मंडे की मंडे आता था उसमें टॉप 3 कौन रहे हैं ज्यादातर। तो वही है टॉप 3, मगर कैसे उस पे बात करते हैं। उससे पहले कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। छह कंटेस्टेंट पहुंचते हैं फिनाले में और छह कंटेस्टेंट्स की एवीज दिखाई जाती हैं काफी अच्छे तरीके से। और एवीज देख के लगता है कि ये भी डिजर्व करता है, ये भी डिजर्व करता है, ये भी डिजर्व करता है। अब निकलेगा बाहर कौन? तो जैसे कि हमने शुरू में सुबह से ही वीडियो डाले हैं कि एक तो पारस छाबड़ा ने अपना मास्टरमाइंड यूज किया है और वो पैसे लेके रफा दफा हो चुके हैं, यानी कि अपने घर जा चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे विजडम दिखाई, उनको दिख गया कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतने वाले हैं। उन्होंने बोला भी आसिम रियाज को, क्योंकि आसिम रियाज ने जाते हुए भी चुटकी ली कि अरे भाई कहां जा रहे, तुमको तो जीत के जाना है। मगर पारस छाबड़ा यहाँ पे कहते हैं कि जीतेगा ना मेरा भाई जीतेगा, तो वो चले जाते हैं पैसे लेके। यही विजडम थी क्योंकि दिख रहा था कि ये पारस छाबड़ा की गेम नहीं रही है अब तो। खैर उसके बाद आरती सिंह भी आउट हो जाती है। अब बचते हैं चार कंटेस्टेंट टॉप फोर, जिसमें आसिम रियाज है, सिद्धार्थ शुक्ला है, शहनाज गिल है और रश्मि देसाई है। रश्मि देसाई को लेके भी हमने बहुत बार बोला है कि वो बहुत अच्छी हैं, ह्यूमन बीइंग है, बहुत बढ़िया हैं, मगर बिग बॉस का खेला उनके लिए नहीं है और यही चीज उनके साथ भी हुई। रश्मि देसाई को लेने के लिए आए कौन? खतरों के खिलाड़ी, यानी कि रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी आते हैं, कुछ टास्क खिलवाते हैं और उसके बाद रश्मि देसाई की एविक्शन हो जाती है और रश्मि देसाई अपने घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, बाद में तैयार होके आएंगी अपने फिनाले के विनर को देखने के लिए। खैर यहाँ पे मैं आपको ये वाली न्यूज देने आई हूँ कि रश्मि देसाई की एविक्शन हो चुकी है और साथ में ये खुशखबरी भी कि हंग्री स्पिरिट्स जिनको शुरू से टॉप थ्री कहता आया है वही बंदे हैं टॉप थ्री के ऊपर, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और आसिम रियाज, ये है टॉप थ्री के कंटेस्टेंट। इनके बीच में है फाइनल टक्कर। कैसा लगा आपको जान के? रश्मि देसाई का जाना तय था, ये भी मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ, क्योंकि क्यों जाना तय था वो भी बता दिया था, अब उस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। खैर रश्मि देसाई यहां तक पहुंची है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी है वो, बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्होंने अच्छे से अपनी गेम को निभा भी दिया है जितना उनको आता था। तो खैर रश्मि देसाई आ चुकी है घर वापस, कौन जीतता है ये हमें आज रात को पता चल ही जाएगा। सो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.